हाँ जी फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूनियन फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूनियन फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। तो जून 2013 में क्वेश्चन आया था, इफ ए एंड बी आर टू फजी सेट्स विद मेंबरशिप फंक्शन दिस एंड दिस, देन दी वैल्यू ऑफ दिस विल बी। इन चारों में से आपको चूज करना है भी क्या आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे कहीं भी यूनियन वर्ड क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ, तो हमें कहाँ से पता चला कि यूनियन होगी इसकी? अगर कहीं भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ये वाला साइन हो, ये हो, जब मैक्स लिखा हो, जब और हो, यू उल्ट साइन लिखा हो, जब वी हो, ऐसे जब मैक्स लिखा हो, जब और हो, वो सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनियन को। अब इसमें यूनियन लिखने के बाद ऊपर एक बार का साइन लगा दिया, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट। तो करना क्या है, पहले हम दो एलिमेंट्स की यूनियन निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पहले मैं आपको यूनियन निकालना समझाऊंगी, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे हम। हाँ जी, यूनियन का मतलब क्या होता है? मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो टर्म्स हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ ए है, ए की वैल्यू ऐसी है, और ये आपके पास क्या है जी, बी है। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि यूनियन बताओ इसकी क्या होगी, तो वो सारी वैल्यूज जो ए में भी है और जो बी में भी है, वो इसकी क्या हो जाएगी, यूनियन। तो यूनियन की डायग्राम ऐसी बन जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं? हमने इसमें जो ए की वैल्यूज थी वो भी सारी ले ली, बी की भी सारी ले ली, मैक्सिमम वैल्यूज ले ली जैसे यहाँ पे लिखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन। आप क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, इसमें भी 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। पांचों वैल्यूज को हम एक दूसरे के साथ ऐसे कंपैरिजन करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कंपैरिजन करेंगे। म्यू ए की पहली वैल्यू का कंपैरिजन म्यू बी की पहली वैल्यू के कंपैरिजन में लेंगे। हाँ जी बताइए आप, 0.6 और 0.9 में से बड़ी टर्म कौन सी होती है? हाँ जी, कौन सी होती है? 0.9। 0.6 और 0.9 में से कौन सी बड़ी है? 0.9। तो ये आ गई यूनियन इसकी और इसकी। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 0.5। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.6। इन दोनों में से 0.7 और 0.8 में से कौन सी बड़ी है? 0.8। 0.8 एंड 0.5 में से कौन सी बड़ी है? 0.8। अब ये आ चुका हमारे पास, क्या आ चुका, म्यू ए एक्स यूनियन म्यू बी एक्स इज इक्वल टू दिस। इतनी चीज क्लियर होगी? तो काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, इसको देख के ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमने निकालना क्या है, हमने यूनियन नहीं निकालनी, यूनियन फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाऊंगी। इसका सिंपल है, लेकिन पहले समझ लीजिए, जो फजी की वैल्यूज होती हैं, फजी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम 0। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं 0.0, यहाँ पे 1.0। तो 0 मिनिमम वैल्यू, 1.0 मैक्सिमम वैल्यू, इसके बीच में क्या लाई करेगा, इसमें बीच में क्या आ जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 0.8, 0.9 एंड 1.0। इतनी चीज क्लियर हुई? अब हमने कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना होता है, अगर कोई चीज आपको मान लीजिए मैंने दे दिया कि मेरे पास ये वैल्यू है 0.9, तो आपको मैं बोलूंगी भी इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आपको ये पॉइंट छोड़ के, 0.9 छोड़ के बाकी की सारी वैल्यूज ले लेनी है, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, 1.0।
1.0 में से हमने 0.9 माइनस करना है, बाहर निकाल देना है, जो बचा होगा वो हमारा इसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं, इन सारी टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले 0.9 को माइनस कर देंगे हम। कैसे? 1.0 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा? 0.1। फिर 1.0 मैक्सिमम वैल्यू से ये सारी माइनस करनी है, माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 0.5। सिंपल माइनस कर रहे हैं। फिर 1.0 में से क्या निकालेंगे? 0.6, दैट इज 0.4। फिर 1.0 में से क्या माइनस करेंगे? 0.8, दैट इज 0.2। फिर 1.0 में से क्या माइनस करेंगे? 0.8, दैट इज 0.2। मैं दोबारा से आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट में हम करते क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 में से मिनिमम वैल्यूज हम माइनस करते जाते हैं, जो बचा होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें क्या आ चुकी हैं, म्यू ए एक्स यूनियन म्यू बी एक्स सारी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर इतनी चीज? तो आप इसको मैच कर लें, 0.1 पहली टर्म किसमें है, इन दोनों में, 0.5 दोनों में, 0.4 दोनों में, 0.2 दोनों में, लास्ट वाला 0.2 सी ऑप्शन में। तो सी हमारा सही ऑप्शन है। कभी भी आपको पहले तो यूनियन बोला हो, तो यूनियन में हमने कौन सी वैल्यू लेनी होती है? मैक्सिमम। यूनियन मींस मैक्सिमम वैल्यू। 0.6 और 0.9 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ली थी हमने? 0.9। अब आगे हमने क्या करना था? उसका कॉम्प्लीमेंट करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू फजी में क्या होती है? 1.0। 1.0 में से अगर 9 माइनस करेंगे, 0.9 माइनस करेंगे, तो बचेगा क्या? 0.1। अगर ये आपको नहीं क्लियर तो मैं बता दूं, यहां पे अगर आप 0.9 में 0.1 ऐड करोगे तो 1.0 आ जाएगा। ऐसे क्लियर? हाँ जी, ये था हमारा टॉपिक यूनियन फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट। आगे की वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के, साथ में आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली और जल्दी से मिल जाएं जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। थैंक यू।